उनको देशद्रोही बोला जाता है इसी मीडिया के माध्यम से उनको नक्सली बोला जाता है। तो बड़ी ही बहुत ही दुख होता है इस चीज को लेकर कि जी न्यूज आर भारत तो कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता है टिकैत उनको बुरा भला बोल रहा था, और मेरा बोलने का अधिकार है बेटा, मेरा भी बोलने का अधिकार है, और जितने भी जितना भी आप बोलिए, अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू लीजिए, अब मैं दम है इंटरव्यू लेने का, मेरा क्यों चाहिए मेरा लो ना, मेरा भी आपकी, आप हमारे को क्या सोचते हो मैडम, आप हमारे को क्या सोचते हो, ये मेरा भी अधिकार है मैडम। आप हमारे बारे में, किसानों के बारे में आप क्या दिखा रहे हैं, किसानों को आतंकवादी दिखाते हैं लोग, आप हमारे किसानों को आतंकवादी दिखाते हो, आप लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो, चिल्लाएंगे मैडम, आप भी चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश में साबित करना चाहते हो कि ये लोग नकली हैं, आप नकली बोलते हो उनको, इनको देशद्रोही बोलते हो। आपका जी न्यूज पूरी तरह से बहस है, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। दोस्तों मैं उधम सिंह, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी जी न्यूज वापिस जाओ, जी न्यूज वापिस जाओ। आप किसानों को आतंकवादी कहते हो, आप लोग आराम से तो बोले लो, नाराज क्यों हो रहे हो, आप किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो आप लोग, मोदी जी का खर्दा हुआ नहीं, आराम से बोलो। दोस्तों ये जी न्यूज चैनल है, पूरी तरह से खबरों को इम्प्लीमेंट करता है, और ये जी न्यूज चैनल इस तरह से मोदी के हाथों बिका हुआ चैनल है, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल रैंडम वीडियोस जंक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।